पुलिस के वर्दी में ये है पंजाब के संगरूर के एसएसपी मनदीप एस सिद्धू। मनदीप एस सिद्धू के काम की तारीफ हर जगह हो रही है। दरअसल मनदीप सिद्धू ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों की बेटियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उनके इस नेक काम में इंडस्ट्रियल हाउस भी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मनदीप एस सिद्धू ने घोषणा की है कि वो अपनी पहली सैलरी में से 51,000 और संगरूर में तैनाती के दौरान हर महीने 21,000 रुपए देंगे। मैंने ये उस दिन अनाउंस किया भी मैं अपनी फर्स्ट पे में से वो 51,000, फिर जितनी टाइम मैं यहाँ रहूँगा संगरूर में हर मंथ 21,000 उन होनहार बेटियों को, जो किसान जो सुसाइड कर गए हैं या खेत मजदूर सुसाइड कर गए हैं, वो जो अच्छी पढ़ाई में बहुत काबिल हैं और पढ़ना चाहती हैं, रिसोर्स की कमी के कारण नहीं पढ़ सकती, उनको दूंगा पैसे। ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं जो रजिंदर गुप्ता जी, उनने कहा कि मैं इस मुहिम में 21 लाख रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एक और इंडस्ट्रियल हाउस है यहाँ का जो धूरी का रहने वाला है, CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनने मुझे कहा कि आप जो हमें आपने हमें रास्ता दिखाया है, हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। संगरूर के SSP मनदीप एस सिद्धू की इस पहल पर दो उद्यमी भी प्रेरित हुए। एक ने 21 लाख रुपए देने का फैसला किया, जबकि दूसरे उद्योगपति ने धूरी के 13 सरकारी स्कूलों को 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली छात्रों के लिए 26 लाख रुपए का चेक दिया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी विद्यार्थियों को इस साल किसी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करना होगा। आत्महत्या करने वाले किसानों की बेटियों की अच्छी पढ़ाई के लिए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान कर SSP मनदीप एस सिद्धू मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।